आज हम बनाएंगे चने की सब्जी। ये एक कटोरी था, मैंने रात को इसे भिगो दिया था और ये फूल गया है। इसको मैंने अच्छे से धुल लिया है। अब इसे हम कुकर में चढ़ाएंगे। खड़ा मसाला है ये दालचीनी, 4-5 काली मिर्च, 3 लौंग, 1 बड़ी इलायची और तेज पत्ते। इसे भी हम उसी में डालेंगे साथ। अब इसमें पानी डालेंगे जिससे चने अच्छे से डूब जाएं। मैंने एक कटोरी में 1.5 गिलास पानी डाला है। नमक हम स्वाद अनुसार डालेंगे। 1 सीटी तेज आंच पे लगाएंगे हम और 4 सीटी धीमी आंच पे। जब तक ये बॉयल होता है हम मसाले बनाते हैं। मैंने 3 टमाटर लिए हैं, 2 प्याज, 4-5 लहसुन की जवा, छोटा सा टुकड़ा अदरक। आप इसे पीसना चाहे तो पीस सकते हैं, लेकिन मैं इसे बारीक से काटूंगी। मैंने कढ़ाई ली है, कढ़ाई गर्म हो गई है। बड़े चम्मच में 1 चम्मच तेल, कढ़ाई में 1 चम्मच तेल डालेंगे। जब हमारा तेल गर्म हो जाएगा तो हम जीरा डालेंगे। तेल गर्म हो गया तो हम जीरा डालेंगे। तड़क गए, अब प्याज डालेंगे। प्याज को 2 मिनट के लिए भूनेंगे मीडियम आंच में। अब इसमें हम अदरक और लहसुन डालेंगे। जब इसे अब हम इसे ब्राउन होने तक भूनेंगे। अब हमारी प्याज भून गई है, इसके अंदर हम मसाले डालेंगे। 1/2 चम्मच है हल्दी पाउडर, 1 चम्मच है पीसी धनिया, 1/2 चम्मच है कश्मीरी लाल मिर्च, 1 चम्मच है लाल मिर्च पाउडर। अब इसे मिक्स करेंगे। अब इसमें हम पानी डालेंगे। इसमें हमने थोड़ा सा पानी डाला है, इससे हमारे मसाले जले ना। अब इसे हम भूनेंगे जब तक तेल ना हो जाए। मसाले ने तेल छोड़ दिया है। अब इसके अंदर हम टमाटर ऐड करेंगे। इसे मिक्स करेंगे। इसमें हम पानी नहीं डालेंगे, इसे धीमी आंच से 5 से 7 मिनट तक पकाएंगे, ढककर पकाएंगे। मैंने गैस बंद कर दिया और सीटी अभी नहीं खोलेंगे, इसे कुकर को नहीं खोलेंगे। 7 मिनट हो गए हैं, अब इसे हम ढक्कन हटा के चेक करते हैं। देखिए कितना अच्छा कलर आया है। अब इसे हम खुला 2 मिनट पकाएंगे। देखिए टमाटर भी अच्छे से गल गए हैं। इसे अब हम थोड़ी सी तेज आंच पर पकाएंगे। तेल अलग अलग होने लगे, इसका मतलब हमारा मसाला पक गया है। देखिए तेल इसमें निकल रहा है। कुकर की गैस निकल गई है, जिसे हम खोल दें। देखो हमारे चने गल गए हैं। अब इसमें हम चने में ये मसाला ऐड करेंगे। देखिए कितना अच्छा कलर आया है। अब इसे हम 3 सीटी तेज आंच पे लगाएंगे।
अब हम गैस बंद कर देंगे और इसकी गैस हम निकालेंगे। अब हम ढक्कन खोलेंगे। हमने तड़का पैन लिया है, हम इसमें थोड़ा सा तेल डालेंगे। जब तेल गर्म हो जाएगा तो हम ये दो मिर्च तोड़ के डालेंगे। अब इसको हम चने की सब्जी में हमारी सब्जी बनके तैयार है। अब इसमें हम गरम मसाला ऐड करेंगे। धनिया पत्ती ऐड करेंगे। ये सब्जी रेडी हो गई है। आप इसे पराठे के साथ, रोटी के साथ, पूड़ी के साथ, जिसके साथ खाना चाहते हैं आप खाइएगा। बहुत टेस्टी सब्जी बनी है, आप एक बार ट्राई जरूर करिएगा। सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए। थैंक यू।